वही टाटा गोल्ड सरप्राइज। ये टाटा पे बहुत सारी सीरीज आने वाली है। टाटा अग्नि का मैंने अग्निकांड कर दिया, उस पर फायर ब्रिगेड चला दिया, आज टाटा गोल्ड का बारी है। वही टाटा गोल्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे भाई लोग हैं जो बोलते हैं वही टाटा गोल्ड का ब्लेंडिंग डिकोड करिए, इसके अंदर में क्या जादू कर रखा है, कस्टमर को पागल कर रखे हैं, टाटा गोल्ड टाटा गोल्ड टाटा गोल्ड। भाई ऐसा कुछ नहीं है, टाटा गोल्ड का एक एक चीजों को मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा। तो हम बात करेंगे आज टाटा गोल्ड का ब्लेंडिंग सीक्रेट के बारे में, इस ब्लेंड को डिकोड करने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ, वीडियो में आप बने रहेंगे। टाटा गोल्ड बेसिकली एक फैमिली को टारगेट करते हुए, एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एक अच्छा टेस्ट के लिए, एक अच्छा स्वाद के लिए जाना जाता है। और ये उन जो मिडिल वर्ग के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको टारगेट करके बनाई गई है। देखिए, एक अपर मिडिल भी इसको यूज कर सकता है, मिडिल क्लास भी यूज कर सकता है, और जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ के लिए ये क्या है, छोटे पैकेट ला दिया 10 रुपये का। तो भाई हम छोटे पैकेट में दिखाने वाले हैं कि छोटे पैकेट में क्या है, बड़े में तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा होता ही है, या मोरलेस टाटा गोल्ड में ऐसी बात नहीं है, छोटे पैकेट हो या बड़े पैकेट हो मोरलेस क्वालिटी सेम रहती है। तो देखिए, ये टाटा गोल्ड का मैं कुछ पैकेट मैं लाया हूँ, पहले मैं दिखाऊंगा कि मैं 10 रुपये के पैकेट लाया हूँ। भाई क्यों खर्चा करवाओगे ज़्यादा रिव्यू के चक्कर में कोई बात नहीं, 10 रुपये की पैकेट में इन्होंने 19 ग्राम चाय दिया है, 19 ग्राम चाय दिया है, और बताया है कि भाई 53 पैसा पर ग्राम इसका कीमत आती है। और एक खास बात है टाटा गोल्ड में, देखिए पैकिंग तो इसका एकदम टाटा गोल्ड, मतलब लगता है कि गोल्डन पैकिंग है। ये 50% लॉन्ग लीफ लिखे हैं। भाई ये जो 15% लॉन्ग लीफ, 15% लॉन्ग लीफ का मतलब क्या हुआ, जो लोग नहीं जानते हैं या जो टी बिजनेस में हैं भाई उनको तो पता ही है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये लॉन्ग लीफ को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स टी। ऑर्थोडॉक्स में भी कई क्वालिटी है, कुछ साउथ इंडिया में होती है, कुछ नेपाल में भी होती है, कुछ दार्जिलिंग का मोस्ट फेमस है आसाम में भी होती है, लेकिन इनकी ग्रीनिश और ब्लैकिश टोन की लिफ्ट मिलाई गई है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक डालने से कॉस्टली ज़्यादा होगा तो कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे सीधा इसकी ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी के ऊपर में। इसके लिए हमने जो चूज किया है, हमने जो समझा है इस चीज़ को, भाई इनका जो ब्लेंड में BOPSM, BP कुछ हद तक OF लिया हुआ है, और लीफ की बात करें तो लॉन्ग लीफ जो है इसके अंदर में ली गई है। अब आप समझेंगे BOPSM BP क्या है, तो मैं बताऊंगा इसमें पहली बात की 15% इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 100% है, 100% टोटल होना चाहिए, 15% माइनस कर दीजिए, क्योंकि 15% ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर में लीफ दिया हुआ है, तो बस गया 85%। 85 में मैं बोलूंगा अप्रोक्स 15% इसको भी माइनस कर दीजिए। OF का परसेंटेज 15%, अच्छी क्वालिटी की OF दी गई है, हालांकि इसको आप थोड़ा सा अलग ब्लेंड करते हैं तो हटा भी सकते हैं, वो आपकी केस में अलग हो सकती है। तो अब यहाँ 70% बचा, 70 में भाई साहब ये है 40% और ये है 30%, ये है यहाँ पे 5% प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि अगर OF को कम करते हैं तो इधर बढ़ जाती है, लेकिन ये फिक्स रहेगी। अब इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए मैं इसका एक ब्लेंडिंग फार्मूला बनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। मैं दिया हूँ एक आसाम की चाय, देखिए अंग टी BOPSM है, ये रेट इसका पड़ेगा 231 रुपये का, टाटा गोल्ड का प्राइस समझ सकते हैं। ये मैं लेने वाला हूँ, इसमें करीब 20%। एक और मेरे पास है सिरू टी, सिरू टी भी हमारा BOPSM है, इसका 214 रुपये रेट होगा पर किलो, इसको भी लेने वाला हूँ 20%। ठीक है, एक है देहिंग, देहिंग BP है, ये रेट पड़ करीब 320-325 के आसपास मिल जाती है, इसको लेने वाला हूँ, क्योंकि तो मैं 2 BP सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका लेने वाला हूँ 15%। देखिए ब्लेंडिंग में आप कुछ इधर उधर कर सकते हैं। एक TG टी करके है, ये भी BP है, ये
ये 300 के आसपास रेट होती है, इसको भी लेने वाला हूँ 15%, तो 15-15-30% बीपी हो गया। और मैं लेने वाला हूँ ओएफ कार्तिक, कार्तिक है, कार्तिक बहुत बढ़िया बगान में आता है, ये ओएफ है, इसका जो है यहाँ पे 330 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लेने वाला हूँ मैं 15%। अब देखिए ये जब एवरेज रेट निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ये आज करंट रेट के हिसाब से मैं इस ब्लेंडिंग को बनाने वाला हूँ। और मैं लॉन्ग लीफ का डिटेल नहीं लिखा, लॉन्ग लीफ को मैं टेस्टिंग टेबल पर दिखाने वाला हूँ, उसका किस तरीके का क्या है, वो 15% वहाँ भी चूज करूँगा। लॉन्ग लीफ डालेंगे तीन तरह का, जिसको TGBOP बोलते हैं, TGFOP भी बोलते हैं, SFTGFOP1 भी बोलते हैं। तो लॉन्ग लीफ पे भी अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, दार्जिलिंग टी ऑर्थोडॉक्स पे भी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोग देखेंगे समझेंगे एक्चुअल होता क्या है। तो अब इस ब्लेंडिंग को, क्योंकि मैं, मुझे पता है इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इस ब्लेंडिंग को ही मैं फॉलो करूंगा और आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि टाटा गोल्ड का चाय और हमारी जो ब्लेंड की गई चाय में क्या फर्क है, क्या अंतर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग रेट कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्या हो सकता है। लॉन्ग लीफ जो दूंगा वो लॉन्ग लीफ आपका अप्रोक्स 400-500 रुपीज के बीच वाली पत्तियां होंगी, जो 15% होंगी। तो टाटा गोल्ड वन ऑफ द प्रीमियम चाय है, तो अच्छी रेट में चाय बिकती है, तो इसमें आपको मार्जिन वाली कोई टेंशन ही नहीं है, मार्जिन तो अच्छी होनी होनी है। हाँ, यहाँ पे रेट आप सीजन में काफी कटौती कर सकते हैं, अप्रोक्स 20% तक नीचे रेट चली जाएगी। ये आज करंट रेट में या मेरे पास जो सैंपल्स हैं उनके हिसाब से मैंने इसको किया हूँ। तो आइए हम टेस्टिंग टेबल पे आ गए हैं। तो टेस्टिंग टेबल पे सबसे पहले मैं दिखा दूं कि मैंने लॉन्ग लीफ की जो बात की थी, ये लॉन्ग लीफ है, ये दार्जिलिंग की लॉन्ग लीफ है, देखिए ये अच्छी क्वालिटी की है, हालांकि ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये TGBOP बोलते हैं। TGBOP को आप समझ सकते हैं किस ढंग का दिखता है, एट ए ग्लांस पहले दिखाता हूँ। ये देखिए ये TGFOP बोलते हैं, TGFOP का कैसा दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये SFTG मतलब सुपर फाइन टीपी गोल्डन फ्लोरी ऑरेंज पिको, और यहाँ पे मैं टाटा गोल्ड का पैकेट कट करके रखने वाला हूँ, वही 10 वाली पाउच, बहुत मस्त दिख रही है। और इसके लिए जो मैंने जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाया था, यहाँ पे सारी चार्टें हैं, चार्ट है मेरे पास, अंग टी, सिरू टी, देहिंग टी, जीत कार्तिक, तो ये सारी चाय मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ये असम का BOPSM असम रीजन का है, ये भी असम रीजन का है BOPSM, यहाँ पे डुआर्स की BOPSM है, असम का BP है। टाटा गोल्ड में असम पे ज़्यादा फोकस किए हैं। एक बात और समझा दूँ कि टाटा गोल्ड ज़्यादा लिकरी बेस्ड चाय नहीं बनाता है, इनका जो है टेस्ट पे फोकस होती है, और ये चाय टेस्ट और स्वाद में लाजवाब के कारण बिकती है। तो अभी हम टाटा गोल्ड का एक पैकेट काटने वाले हैं, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, फटाफट इसको कवर करने वाला हूँ। टाटा गोल्ड का एक पैकेट काटा और इसको में डाला, अब देखिए, चलिए ये डाल दिया। अब मैं इसको कार्ड पे लेने वाला हूँ, कार्ड पे क्या दिख रहा है, हल्के पुल की वेब दिख रही है, BP दिख रही है, BOPSM दिख रही है, और लंबी पत्तियाँ दिख रही हैं, लंबी पत्तियाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं, लंबी पत्तियाँ कैसे दिख रही हैं। तो ये जो लंबी पत्तियाँ हैं इसमें भी 3-4 वैरायटी है, अगर ज़्यादा लंबी पत्तियाँ देंगे तो क्या होगा, चाय इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। लंबी पत्तियों में दिखा दूँ, एक इस तरीके की लंबी पत्तियाँ होती है, हालांकि इसमें स्टॉक भी है, स्टॉक वाली चाय सस्ती पड़ती है, ये सब स्टॉक है, स्टॉक वाली चाय सस्ती पड़ती है, जबकि बढ़िया अगर लीफ अगर यूज़ करेंगे तो ये महंगी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हमारे पास जो पत्तियाँ हैं, देखिए ये पत्तियाँ उनसे बहुत बेटर क्वालिटी की है, इसमें स्टॉक की मात्रा कम है, ठीक है, ये लंबी पत्तियाँ, और एक जो छोटी पत्तियाँ उसमें यूज़ की गई है ये सस्ती होती हैं, तो ये कॉस्टिंग आपको कम करेंगी, ठीक है। इस तरीके की छोटी पत्तियों को भी यूज़ करेंगे इसमें, भाई 5-5% 3 लेंगे, ये चाय भी सस्ती है, इनमें भी देखिए इसमें लंबी छोटी सब मिक्स है, तो इनको भी हमने यूज़ करना है, ठीक है। और एक और है, ये थोड़ी सी, ये भी सस्ती है बट ओके है, थोड़ी सी 19-20 का फर्क है दोनों रेट में, तो ये और भी बढ़िया है, तो मैं चूज करूँगा इनमें से
कोई भी तीन लूंगा लेकिन ये 5% जाएगा ही जाएगा, बाकी इनमें से 5 ये लूंगा, 5 इसको लूंगा, या सस्ती करनी है तो ये तीनों को 5% ले लेंगे, 5-5%। अभी सिंपल था, देखिए हम टेस्ट करेंगे, ब्लेंड करेंगे, बट ब्लेंड का एकदम बाकायदे वेट करके नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वेट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं अप्रॉक्स फार्मूला को फॉलो करने वाला हूँ। अब देखिए अंग टी का जो बीओपीएसएम है, अंग टी का बीओपीएसएम हमने 20%, मतलब मैं यहाँ से 20% का मतलब क्या मानूंगा भाई, एक चम्मच 10%, मैंने 20% यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब जो है सिरू टी का बीओपीएसएम, ठीक है, तो ये दोनों असम है, ये भी असम है, ऐसी असम है, डुवार्स का मैं बीपी ले रहा हूँ, तो ये सिरू टी बीओपीएसएम हो गया, ये भी 10% और 10%, थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो एक चम्मच मतलब 10%, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है, अब देहिंग का बीपी हमारा कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे, 15%, तो हम 1.5 चम्मच लेंगे यहाँ से, एक चम्मच और आधा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम पड़ गया, ठीक है। और इसके बाद से आ रहा है हमारे पास टीजिट का बीपी होगा, अब टीजिट का मैंने यहाँ पे इसको भी 15% लेना है, तो इसको भी 1.5 चम्मच, ठीक है। अब ओएफ, चूँकि मैं 15% की बात किया था, तो यहाँ भी जो है ओएफ चूँकि भारी होता है, तो यहाँ पे 1.5 चम्मच इसको भी लेंगे। तो ये परसेंटेज के हिसाब से मैंने चाय को डाल दी है। अब यहाँ पे 5% लेना है, तो चूँकि लीफ हल्की होती है तो मैं अंदाज से ले रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5% मैं इसको दिया, और चलिए इसको मैं देता हूँ 5% जैसा, तो 5% इसको, लीफ हल्की होती है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लेंड बन के तैयार हो गया। देखिए ये जो है मैं दो कार्ड की मदद से ब्लेंड कर रहा हूँ, मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसको जो है मेरा ब्लेंड जो है रेडी है, इस ब्लेंड को मैं एक बार के लिए इस में रख लेता हूँ। ये मेरा ब्लेंड है बनाया हुआ इस जगह पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का फर्क दिखाता हूँ मैं। अब ये मैंने ब्लेंड बनाई है, क्योंकि मेरा अपीयरेंस असम की चाय देने के बावजूद भी ये काली क्लीन है, और इनकी चाय क्या है, ये ब्राउनिश टोन की है, ठीक है, ये मेरा ब्लेंड। बाकी चाय देखेंगे कैसा होता है। तो भाई जब ब्राउनिश टोन की जब चाय होती है वो होती है सस्ती, कमाएंगे कैसे, कमाना तो पड़ेगा ना। तो लुक वाइज टेस्ट वाइज नो डाउट ये चाय अच्छी होने वाली है। ब्राउनिश टोन में अगर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इनसे भी सस्ती चाय आप बना सकते हैं। ये अपीयरेंस मैंने दिखा दी, अब जो है इसका लीकर टेस्ट करने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, अब लीकर टेस्ट की मैं तैयारी करने वाला हूँ। अब सिंपल सा इसको वेट करेंगे, नहीं तो आप जो है 2.5 ग्राम लेंगे, नहीं तो 1-1 चम्मच, मैं अंदाज से 1-1 चम्मच ले रहा हूँ। देखिए ये 2.5 ग्राम से ऊपर ही होगा, कम नहीं होना चाहिए, और 2.5 ग्राम देखिए ये हो गया मेरा टाटा गोल्ड, और ये हो गया, इसको भी मैंने 2.5 ग्राम के आसपास ले लिया। अब ये दोनों ब्लेंड रेडी है, अब इसका गर्म पानी डालेंगे और लीकर टेस्ट करेंगे। तो पानी गर्म हो गई है, टाइमर है, टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले मेरा बनाया हुआ ब्लेंड में मैंने पानी दिया, थोड़ा सा कमी रखना है जिससे कि ओवरफ्लो ना हो जाए। तो ये 5 मिनट के बाद से इसको निकालेंगे, तब तक मैं कुछ बात बता दूं। देखिए जैसे मैं पहले बताया था कि टाटा गोल्ड का एक खासियत है कि ये चाय उन कस्टमर के लिए है, उन लोगों के लिए है जो टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लॉन्ग लीफ डालने का कारण ही है कि इनका टेस्ट बना रहे, टेस्ट अच्छा हो, सुगंधित चाय हो, अच्छा एक स्वाद और फ्लेवर आए, इसके लिए ये चाय की ब्लेंड की गई है। तो इनका ब्लेंडिंग सीक्रेट को मैं डिकोड किया हूँ आज, और आप लोग बंद रहेंगे, देखेंगे क्या फ़र्क आता है इनके लिकर्स में।
और दूसरी बात क्या है कि ये जो ब्राउन कैटेगरी की चाय चूज किए हैं, जो ब्राउनिश चाय है, हल्की फुल्की फाइबर भी है, लीफ की क्वांटिटी नो डाउट सही है, तो ब्राउनिश में ये लीफ खुल के दिख रही है, जबकि मेरा ब्लैकिश टोन है, ये ज़्यादा चाय और भी ज़्यादा टेस्टी होगी, इसमें लीफ खुल के उतनी नहीं दिख पा रही है। तो ये ब्राउनिश चाय लेने का मतलब है कि इनकी चाय की कॉस्टिंग कम होगी। दूसरी समय अगर इस ब्लेंड को देखेंगे तो इस ब्लेंड में भी लीफ अच्छी खासी मात्रा में है और इसकी काफ़ी नीट एंड क्लीन चाय मैंने चूज़ किया है, और इस ढंग से मैंने चूज़ किया है कि टाटा गोल्ड का जो कॉस्ट ऑफ ब्लेंड होता है वो सही बना रहे या उससे कम हो। तो इनमें जो भी चाय हमने आसाम का चाय देखी, ब्राउनिश टोन का मतलब क्या है, आसाम की माइल्ड लिकर की चाय लोग चूज करते हैं। आसाम की जो माइल्ड लिकर की चाय होती है ये स्वाद में और फ्लेवर में सही होती है, ये ज़्यादा कलरी कप में नहीं जाते हैं, इनकी ब्राइटर टोन हो और स्वाद अच्छी हो, उसमें खुशबू आए लीफ डालने से, इस पे ज़्यादा फोकस होता है इनका। जहाँ तक तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी ब्लेंड जो है इनसे बेटर होने ही वाली है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस तरीके से अब मुझे एक और देखूंगा कि ये जो टाटा गोल्ड की जो हाफ किलो या 1 किलो की पैकेट आती है और साथ में टाटा प्रीमियम या जो रेड लेबल की चाय है, इन सब के साथ में एक कंपेरेटिव टेस्ट भी लाने वाला हूँ, जिससे कि इनकी उसमें भी क्वालिटी का कोई डिफरेंसेस क्या है आप लोग समझ पाएँ। ये मेरा फोकस रहेगा कि ब्लेंडिंग रेशियो को समझा पाऊँ कि आप अपने एक अच्छे तरह का ब्लेंड बना पाएँ। ब्लेंडिंग से पहले ज़रूरी है भाई चाय का टेस्टिंग। इस सिस्टम में आप चाय को टेस्ट करिए और जो ब्लेंड में डालना है उस चाय को पहले से ही सिलेक्ट कर लीजिए। भाई एक पैकेट लीजिए, फाड़िए, उसको टेस्ट करिए, साथ में इन सब चीज़ों को भी टेस्ट करिए जो चाय की ब्लेंड में, मतलब उस ब्लेंड में जो चाय जाने वाली है। जब तक उस चार्ट को रेडी नहीं करेंगे, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो टी टेस्टिंग प्रोसेस वाला वीडियोस देखिए और ब्लेंडिंग प्रोसेस वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आज फोकस हमारा है सिर्फ टाटा गोल्ड का ब्लेंडिंग डिकोड, इसकी ब्लेंडिंग सीक्रेट को बताना। अभी टाइम अप होने वाला है, तो टाइम अप, इसको पहले बंद कर देते हैं। सबसे पहले इसमें पानी डाला था इसलिए इसको पहले निकालूंगा। इसका लीकर डिफ्यूजन सबका एक थॉरली टेस्ट करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या फर्क है। इसकी तीन फ्यूजन अच्छी दिख रही है। देखिए टाटा गोल्ड का ब्लेंड काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है, इसमें कोई भी चाय आपको ख़राब नहीं डालनी है। अच्छी चाय जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इसको मात नहीं दे पाएंगे। अब देखिए ये इन्फ्यूजन की बारी, पहले हम देखते हैं इन्फ्यूजन पे बात करते हैं, अपीयरेंस में बता दिया था इन्फ्यूजन की बारी। इन्फ्यूजन इनकी हल्की सी डल आ रही है, या डल तो होना ही है, डल अगर नहीं करेंगे तो रेट कैसे कम करेंगे। ब्रांड नेम है भाई, ब्रांड नेम है, इनको तो बस नाम का पैसा कमाना है। अच्छा इन्फ्यूजन की हार्डनेस की बात करें तो ये ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है मुझे, ये हल्की सी हार्ड फील हो रही है, हल्की सी बट सॉफ्ट है, हल्की सी फर्क है इन्फ्यूजन में। अब इसकी नोज़ की बात करते हैं, नोज ठीक है, फ्रेश है, बट उतना फ्लेवर खुल के नहीं आ रहा है, ये भी सही है, हल्का सा फ्लेवरी साइड में ओके है। तो होता क्यों ये है कि मैं जो चाय यूज़ कर रहा हूँ ये हार्डली मतलब 2 महीने 3 महीने पुरानी चाय होती है, काफ़ी फ्रेश होती है, इनकी चाय मतलब प्रोसेस होते होते 6-7 महीना तो लग ही जाता है, इस वजह से थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। अब इसकी जो है इसमें हम देने वाले हैं मिल्क, तो इनकी काफ़ी ब्राइटर कप दिख रही है मुझे, एक एक चम्मच मिल्क देंगे, एकदम फैट फ्री मिल्क है, वाह बहुत बढ़िया कलर आया इसका। इसको देखते हैं भैया, दोनों टक्कर का कलर है। अब देखिए ये दोनों चाय का फर्क देखिए आप दे सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से भी दिखा रहा हूँ मैं। थोड़ी सी मेरा ब्लेंड किया हुआ चाय है, ज़्यादा ब्राइटर टोन आ रहा है, ज़्यादा इसमें
चमक ज़्यादा है, ठीक है, ये देखिए। और ये चाय में फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं। तो भाई टाटा गोल्ड को मात देने वाला ब्लेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टाटा गोल्ड को मात देने वाला ब्लेंड है। हमने जो भी चाय यूज़ की है आप देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल सी चाय है, बट सिलेक्शन मैंने अच्छी की, ठीक है। तो ब्राइटर टोन का लिकर में और भी ज़्यादा आपको फ्लेवर और टेस्ट मिलने वाला है। लीफ की बात किया मैंने, ये लीफ मैंने यूज़ किया है, ये सारे लीफ मैंने लिया है, बस इसको नहीं लिया क्योंकि 15% देना था, तो 5% दिया, जिससे कि लीफ की हमारा रेट सही बना रहे, मतलब कॉस्टिंग हाई ना हो। अब इसको टेस्ट करते हैं। भाई मेरा तो आप सोचेंगे मैं अपनी खुद तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, ये चाय मुझे सच में पसंद आ रही है। थोड़ा सा 5-10 कॉस्टिंग हाई हो सकता है, मैंने जस्ट एक फार्मूला बताने की कोशिश की। आप लोग कमेंट करिए, अगर ऐसा सैंपल चाहिए तो मैं भिजवाऊंगा आप लोग के पास, सैंपल भेजूंगा, आप लोग समझें, आप लोग ट्राई करें भाई होता क्या है, करना किसे चाहिए। अब ये टाटा गोल्ड का मैं टेस्ट कर रहा हूं, थोड़ी सी बिटरनेस इस चाय में, थोड़ी सी बिटरनेस आ रही है, बिटरनेस का मैं रीजन बताने वाला हूं। ये जो अंदर हवा लेकर के जो टेस्ट करने का रीजन क्या है, हवा लेते हैं तो ये फ्लेवर खुल के आती है, और जो जीभ का जो बनावट ऐसा है कि हर अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट सेंस करता है हमारा जीभ, ठीक है। तो ऊपर भी जाना चाहिए, नीचे भी जाना चाहिए, सामने भी आना चाहिए, दाया बाया हर तरह से मुख के अंदर जीभ के हर एक पार्ट पे घुमाना है आपको लिकर को, और साथ में हवा भी लेना है जिससे कि आप अच्छी टेस्ट पहचान पाए, इसलिए ये जो शुष्कारी निकलती है, शुष्कियाँ निकलती हैं। तो अब बात रही इनकी ब्लेंडिंग में जो बिटरनेस आ रही है, बिटरनेस का मेनली रीजन ही है इनकी ब्राउनिश टोन। ब्राउनिश टोन इसलिए लिए है कि ब्राउनिश चाय सस्ती होती है, अगर आप उनकी सेम टू सेम अगर ब्लेंड करना चाहते हैं तो भाई कंपटीशन हो जाएगी तगड़ी, उसमें उनसे थोड़ी सी बेटर करनी होगी कि आपकी चाय लोग लें। भाई क्वेश्चन है क्यों लें, इसलिए लें, उनसे बेटर करनी पड़ेगी। तो आप जो है थोड़ी सी टेस्ट पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की लीफ और थोड़ी सी ब्राउनिश टोन को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये ब्राउनिश टोन होने के कारण जो सेकेंडरी टाइप की चाय है, या जो ओवर फर्मेंटेड चाय है, या जिसमें लॉन्ग लीफ से जो पत्तियों से चाय बनती है, बड़ी पत्तियों की मतलब है, ये ऑर्थोडॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे क्या होता है बिटरनेस टेस्ट आती है, लोग उसको बोलते हैं कड़क है, कड़क कड़क कुछ नहीं होता है, बीटर टेस्ट होता है। तो ये जो मैंने रिव्यू दिया है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक समझाने की कोशिश की है कि इन सिस्टम को फॉलो करके आप इन रेशियो को फॉलो करके एक अच्छी ब्लेंड बना सकते हैं। इन ब्लेंड को और भी ज़्यादा डीप में समझने के लिए, और भी ज़्यादा आप इस पर मास्टरी हासिल करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और भी ज़्यादा ब्लेंडिंग पे वीडियोस आने वाले हैं, और हर एक टी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।